हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ राघव तनेजा और आप सभी का वेलकम करता हूँ गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से लगे होंगे। आज मैं आपके लिए डायंथस प्लांट पर वीडियो लेकर आया हूँ कि उसकी केयर कैसे करनी है। ये देखिए, ये हमारे सामने तीन डायंथस के प्लांट्स पड़े हैं। ये देखिए, मैं आपको पास ला कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो है वाइट और पिंक कलर का। ये देखिए जैसे कि इसके फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये है रेड और पिंक कलर का। देखिए इसके बीच में रेड है और इसके बाहर पिंक कलर है, और ये पूरा रेड कलर का है। इसके अंदर कोई और कलर नहीं है। ये सिंगल कलर है और ये दोनों डबल कलर है। ये विंटर के सीज़न के प्लांट हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये गुच्छे लग जाते हैं। मतलब कि ये देखिए, ये बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है कि एक छोटे से पोट में इतने सारे फूल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये इतना सा पोट है, ये ज़्यादा बड़ा पोट नहीं है। ये 5 या 6 इंच का पोट है, और ये देखिए इस पर इतने सारे फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए इसमें भी ये उससे भी छोटा पोट है, ये इससे छोटा पोट है, और इसमें भी ये इतने सारे फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये विंटर के सीज़न के प्लांट्स के अंदर बहुत ही अच्छा माना जाता है। विंटर में वैसे भी ज़्यादातर प्लांट्स वही होते हैं जिनमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर बहुत सारी फ्लावरिंग हो गई थी, इन दोनों से भी ज़्यादा फ्लावरिंग इस पर हो गई थी। लेकिन मैंने इसकी जब इसके फ्लावर्स झड़ जाते थे उसके बाद मैं उनको काट देता था ताकि वो बीज बनना शुरू ना हो जाए। अगर वो बीज बनना शुरू हो जाते तो वो सारी पावर ले लेते प्लांट की, और फ्लावरिंग कम हो जाती, इसलिए मैंने उन्हें काट दिया। आप भी यही करें। मतलब कि अगर ये देखिए, ये जो फ्लावर्स हैं थोड़े दिन में ये सड़ जाएंगे, और उसके बाद मैं इस फ्लावर की जो ये बड बचेगी इसे मैं उखाड़ दूंगा। अगर मैं उसे पड़ा रहने दूंगा तो वो सीड्स बनना शुरू हो जाएंगे और सारे प्लांट की पावर वही सक कर लेंगे और फ्लावरिंग कम हो जाएगी। इसलिए आप जो भी फ्लावर सड़ जाए उसे हटा दें। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर भी हटाया हुआ है। ये देखिए, इसके ऊपर यहाँ पर 2 फ्लावर्स लगे हुए थे, और मैंने जब उसके फ्लावर्स झड़ गए मतलब कि सूख गए, फिर मैंने उन्हें निकाल दिया। आप भी ऐसा ही करें। और अब मैं इसके केयर की बारे में आपको बता देता हूँ कि इसकी केयर कैसी करनी है। ये विंटर के सीज़न का प्लांट है और ये बहुत ही अच्छा है। इसकी केयर करने के लिए आप इसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे 5 या 6 इंच के पोट में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कम भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी सोयल की बात करते हैं, इसे क्ले सोयल नहीं पसंद। मतलब कि क्ले सोयल में, मतलब कि जो मिट्टी सख्त होती है उसे ये पसंद नहीं है। क्लेली सोयल में आप कोकोपीट या फिर रेत मिला दें तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, और उसके बाद आप उस मिक्सचर में भी इसे लगा सकते हैं। बाकी ये हर प्रकार की मिट्टी में हो जाते हैं, मतलब कि कोई भी मिट्टी हो आप उसमें इसे आसानी से लगा सकते हैं और ये उसमें आसानी से चल जाएगा। और वाटरिंग की बात करें तो इसे मॉइस्ट सोयल पसंद है, मतलब कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। ये देखिए, इसके मिट्टी में मैंने नमी बनाई हुई है। ये देखिए, इसमें भी मैंने नमी बना रखी है। इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी सूखा ना होने दें, मतलब कि इसकी मिट्टी को हर टाइम मॉइस्ट रखें, और ओवर वाटरिंग भी ना करें। मतलब कि आप अगर इसको, इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखने के लिए इसे बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो इसकी रूट्स रोट हो जाएंगी, मतलब कि वो गल जाएंगी। आप इसे इतना पानी दें कि इसकी मिट्टी सूखी भी ना रहे, और इतना ज़्यादा पानी भी ना दें कि इसकी जड़ें गल जाएं, बस इसकी मिट्टी में नमी बनाए रखें। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसे कैसी सोयल पसंद है, और इसे कितना पानी देना है, और इसे कितने स्पेस की ज़रूरत होती है। और अब मैं बता देता हूँ कि इसको किस तरह प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब कि एक प्लांट से और कई सारे प्लांट कैसे बना सकते हैं। इसे सीड्स से लगाया जा सकता है, मतलब कि अगर आप इसके सीड्स को अपने आसपास की शॉप से या फिर इंटरनेट से बाय कर सकते हैं।
ये इसके शीर्ष लगाना भी बहुत आसान होता है, और एक तो इसे शीर्ष के द्वारा लगाया जा सकता है, दूसरा इसे मिट्टी में से निकाल कर भी लगाया जा सकता है। मतलब कि जैसे कि ये देखिए, ये एक प्लांट है, और ये देखिए ये कई सारी डंडियां हैं। मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये एक नहीं है, ये बहुत सारी स्टेम है, और आप इनमें से तीन चार को यहाँ से मिट्टी के नीचे से उखाड़ें, इकट्ठा उखाड़ें अलग अलग। अगर आप इसे मिट्टी में से निकालेंगे तो आपकी ये सही नहीं चल पाएंगी। आप इन्हें इकट्ठा उखाड़ें और दूसरी जगह लगा दें तो भी ये बहुत आसानी से हो जाते हैं। मतलब कि अगर ये देखिए, मैंने इसे इतनी ये जो शूट्स हैं इन्हें निकाला मिट्टी से और मैंने दूसरे पॉट में लगा दिया, तो यही आगे ग्रो करना शुरू कर देंगी और इनके नीचे रूट्स भी होंगी। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ ऊपर से काट कर लगा देता हूँ, मतलब कि इसकी कटिंग लगाता हूँ, तो वो नहीं होगी। इसे आप चार पांच शूट्स निकाल कर दूसरे पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। ये देखिए, ये बहुत सारी शूट्स बन जाती हैं। मैं आपको पास लाकर दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कितनी सारी ही शूट्स हैं। आप इनमें से कुछ को निकाल कर दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगी। ये देखिए ये बहुत सारी शूट्स हैं। और एक तो इसे सीड्स के द्वारा लगाया जा सकता है, दूसरा इसकी जो ये स्टेम है काफ़ी सारी, इसे निकाल कर दूसरे पॉट में लगाया जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसे प्रोपोगेट कैसे करते हैं, और इसी सनलाइट की बात में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। इसे एक दिन में 5 या 6 घंटे सनलाइट मिल जाए तो काफ़ी होती है। मतलब कि आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर शेड हो और सनलाइट की गर्मी हो। मतलब कि अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। या फिर आप इसे ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर छाया है और सूरज की गर्मी आती है, तो भी ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। आप इसे ऐसी जगह ना रखें जहाँ 5 घंटे से कम सूरज की गर्मी आती है या फिर धूप आती है। अगर आप इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पूरा दिन सूरज की गर्मी नहीं आती तो ये मर जाएगा। आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर दिन में कम से कम 4 घंटे आती हो सूरज की गर्मी। तो दोस्तों, आपको इसकी केयर के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया है, और ये देखिए ये इसके फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे नर्सरी से बाई कर लाएँ और अपने घर में लगाएँ। ये बहुत ही इजी टू ग्रो होता है, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, और ये गर्मी के सीज़न में मर जाता है। मतलब कि आप इसे अगर गर्मी के सीज़न में चलाना चाहते हैं, वैसे तो ये विंटर के सीज़न का प्लांट है, मतलब कि इसे विंटर में फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप इसे गर्मी में भी सर्वाइव करना चाहते हैं, मतलब कि इसे गर्मी में बचा कर रखना चाहते हैं ताकि ये अगली सर्दियों में फिर से फ्लावरिंग करें, तो मैं आपको इसकी एक टिप दे देता हूँ। गर्मियों में आप इसे अगर फ्लावरिंग हो, मतलब कि ठंड का सीज़न चला गया और गर्मी में इसे फ्लावरिंग हो रही है, तो आप इसके मतलब कि 1-2 फ्लावर्स लगे हुए हैं तो आप इनके फ्लावर्स को काट दीजिए। आपको इसमें दुख तो होगा लेकिन ये प्लांट के लिए अच्छा होगा। मतलब कि गर्मी में वैसे भी ये खाना कम बनाते हैं प्लांट्स, क्योंकि ये विंटर के सीज़न के प्लांट्स हैं, और वो सारा खाना इनका फ्लावरिंग में लग जाएगा तो वो प्लांट मर जाएगा। गर्मी में आप इसके 1-2 फ्लावर्स जो भी लगें उसे काट दें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गर्मी में सर्वाइव करने में इसे आसानी होगी, और हो सकता है कि ये गर्मी में सर्वाइव कर जाए और अगली विंटर में फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर दे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि इसकी केयर कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलूँगा कुछ नए प्लांट्स के साथ। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। अपना भी ध्यान रखते रहिएगा और अपने प्लांट्स का भी, और ठंड को इंजॉय करते रहिएगा।